पूरे देश के साथ ही कोरबा जिले में 18 सितंबर को गणेशोत्सव का आगाज होने वाला है, जिसके लिए विभिन्न गणेशोत्सव समितियों द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। खासकर ये गणेश चतुर्थी कटघोरा क्षेत्र के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहां 107 फीट ऊंचे पंडाल में गजानंद स्वामी विराजमान होंगे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के स्वरूप में इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा इस भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस बार गणेशोत्सव कोरबा जिले के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि कटघोरा में युवा गणेशोत्सव समिति द्वारा इस पर्व को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हाईस्कूल चौक के पास 107 फीट ऊंचा विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसे अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। कलकत्ता से आए कारीगरों के द्वारा दिन रात मेहनत कर पंडाल को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। पंडाल के भीतर 21 फीट ऊंची विघ्न विनायक की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पंडाल और प्रतिमा की भव्यता को देखते हुए कटघोरा का गणेशोत्सव इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में केंद्र बिंदु रहने वाला है। ये अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहे, अभी बना नहीं है, लेकिन उसी द्वारा हम लोग बना रहे हैं। कितने लोग आपकी टीम में? हमारी टीम में अभी 28 लोग हैं। इससे पहले जाया था। पंडाल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 107 फीट। कोरबा जिले में सबसे बड़ा है ये, हो सकता, लेकिन हम लोग को तो मालूम नहीं इसका। कलकत्ता से आए 28 कारीगरों के द्वारा डेढ़ महीने से पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति के साथ ही पूरे कटघोरा नगरवासियों का भी सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे शक्ति वैसी भक्ति की तर्ज पर हर किसी का सहयोग समिति को मिल रहा है। श्री राम मंदिर के तर्ज पर आकार ले रहे पंडाल में देश के हर राज्य की झांकियों को भी दर्शाया जाएगा। इस वर्ष का यह पंडाल 107 फीट का बनाया गया है, जो राम मंदिर के तर्ज में बन रहा है। इसमें राम मंदिर की आपको, जो अयोध्या में राम मंदिर स्थित है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। और अंदर में विशाल का 21 फुट की मूर्ति विराजमान की गई है। इसकी साज सज्जा में विगत 2 माह से बंगाल के कारीगर आकर यहां पर कार्य कर रहे हैं, और लगभग इस पंडाल को बनाने में अनुमानित जो खर्च हैं 50 से 60 लाख रुपये आने की उम्मीद है। और कटघोरा नगर के पूरे नगरवासियों का अपार जन सहयोग और सहयोग मिल रहा है इस कार्य को संपन्न करने में। कोरबा का जय देवा गणेशोत्सव इस बार हर चीज में खास होने वाला है। पूरे 11 दिनों तक यहां अलग अलग धार्मिक आयोजन होंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोग भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, अनंत चौदस के दिन जब श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा तो काफी आकर्षक होगा, क्योंकि देश के अलग अलग क्षेत्रों से कलाकारों को बुलाया गया है, जिनके द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कटघोरा।